हेलो फ्रेंड्स, आजकल फ्लैट या फिर अपार्टमेंट लेना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। सिटीज़ में रेंट ज़्यादा होने की वजह से बहुत से लोग लोन लेकर फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। मोस्टली लोन की EMIs 20 साल तक चलती है, उसके लिए डाउन पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले उस फ्लैट के बारे में कुछ पॉइंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सही हो और आपके साथ कोई धोखा ना हो। वेलकम टू केपी कॉन्स्ट्रो। आज हम फ्लैट खरीदने से पहले कौन सी 10 बातें चेक करना ज़रूरी है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रेरा। दोस्तों, रेरा एक कस्टमर फ्रेंडली एक्ट है। इसमें डेवलपर के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस है, जैसे 8 फ्लैट या फिर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर के सारे प्रोजेक्ट्स को रेरा कंपलसरी हैं। इसमें आपको फ्लैट के बारे में सब टेक्निकल बातें पता चल जाती हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन करने से पहले बिल्डर को सब बातें गवर्नमेंट को बतानी पड़ती हैं। उसमें फ्लैट के ड्राइंग्स आते हैं, परमिशन डेट, स्पेसिफिकेशन, फ्लैट्स में आप कितने एमिनिटीज दे रहे हो, आउट ऑफ द फ्लैट क्या क्या एमिनिटीज है। आप ये सब बातें रेरा वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रेरा रेडी पोजीशन या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ऑक्यूपेंसी या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट देख रहे हैं तो रेरा डिटेल्स जरूर चेक कर लें और उसके बिना फ्लैट में इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 2, अप्रूवल एंड लाइसेंसेस। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। फ्लैट को इन्वेस्टमेंट अमाउंट देने से पहले उसके सारे अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट प्लान्स, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करें। इसमें आपको प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स पता चल जाती हैं, जैसे प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने एमिनिटीज दिए गए हैं। और दोस्तों, कुछ NOCs प्रोजेक्ट को लेना कंपलसरी है, जैसे फायर, गार्डन, वाटर, ड्रेनेज एनोसिस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती तो किसी इंजीनियर या फिर किसी कंसल्टेंट को ज़रूर ये सब बातें चेक करने लगाएं, उसके बाद ही फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, वेरीफाइड डेवलपर। बिल्डर या डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी बात होती है। हो सके तो बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स को विजिट करें, उस प्रोजेक्ट के वॉचमैन या फिर सेक्रेटरी से मिलकर बातचीत कर लें कि बिल्डर के बिहेवियर या फिर आफ्टर कंप्लीशन मेंटेनेंस बिल्डर कैसे कर रहा है। अगर सब बातें सही लगती है तो ही आगे बढ़े। नंबर 4, फ्लैट एरिया चेक। ज़रूरी नहीं है कि जो एरिया आपको कॉशिट में दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है वो सही हो। कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स या फिर जानबूझकर कुछ डेवलपर एरिया ज़्यादा दिखाते हैं। दोस्तों, एरिया में थोड़ा फर्क फ्लैट की कीमत पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्डर आपको एरिया 10 स्क्वायर फीट बढ़ाकर बताता है और उस एरिया में अगर 5,000 पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, तो आपको 50,000 प्लस टैक्सेस ज़्यादा भरने पड़ सकते हैं अगर सिर्फ बिल्डर 10 स्क्वायर फीट ज़्यादा बताता है तो। तो फ्रेंड्स, अपने फ्लैट का एरिया खुद चेक कर लें या फिर किसी कंसल्टेंट से चेक करवा लें। नंबर 5, लीगल डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट के लीगल डॉक्यूमेंट्स सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में एक भी फॉल्ट उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों, बहुत से प्रोजेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से कभी पूरे नहीं हो पाते या फिर बहुत बड़े टाइम स्पेन के लिए फंस जाते हैं। आप फ्लैट खरीदने से पहले उस फ्लैट के लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे बायर सेलर एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कौन सा है, टैक्स टाइम टू टाइम भरे हैं या नहीं, ये सब बातें ठीक से चेक कर लें। अगर इन बातों में एक भी कमी लगती है तो ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहें। नंबर 6, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का लोकेशन या फिर प्रोजेक्ट कौन से एरिया में है, ये सब बातें फ्लैट के रेट और फ्यूचर ग्रोथ पे
बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। आईटी पार्क, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ग्राउंड्स, ये सब सुविधाएं अगर फ्लैट के आसपास हो तो फ्लैट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और ऐसे लोकेशंस के फ्लैट को रेंट भी अच्छा मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फ्लैट के एरिया के लोकेशन के बारे में ठीक से स्टडी कर लें। आपको उस एरिया का डेवलपमेंट प्लान लोकल अथॉरिटी के ऑफिस से या फिर उसके ऑनलाइन पोर्टल से मिल जाता है। उस डेवलपमेंट प्लान में आपको एरिया की फ्यूचर ग्रोथ पता चल जाती है। तो ये सब चेक करके ही फ्लैट खरीदें। नंबर 7, प्राइस वेरिफिकेशन। आपने जो फ्लैट शॉर्टलिस्ट किया है उस फ्लैट के लिए आपको जो कीमत बताई जा रही है वो सही है या नहीं, ये जानना एक ज़रूरी पॉइंट है। दोस्तों, ये कीमत जानने के लिए आप अपने फ्लैट के एरिया में जाके कम से कम 5 या 10 अलग अलग प्रोजेक्ट के इंक्वायरी कीजिए। इससे आपको उस एरिया के रेट के बारे में पता चल जाएगा और अपने फ्लैट की सही कीमत समझ पाओगे। इससे और एक फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप अपने फ्लैट के रेट के बारे में बिल्डर से नेगोशिएट कर पाएंगे और आपको आपके फ्लैट की सही कीमत मिल जाएगी। नंबर 8, बैंक फाइनेंसेस। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर बैंक से अप्रूव्ड है या फिर कोई पर्टिकुलर बैंक उस प्रोजेक्ट को लोन देने के लिए रेडी है, इसका मतलब ये है कि उस बैंक ने उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट किसी बैंक से अप्रूव होना उस प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही अप्रूवल देती है। तो दोस्तों, ज़रूर चेक करें कि वो प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा बैंक से अप्रूव्ड हो। सरकारी बैंक्स डॉक्यूमेंट चेक करते वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली करती है और प्राइवेट बैंक से भी अप्रूवल होना आपके लिए अच्छा होता है। तो बैंक्स या फिर फाइनेंस कंपनी से अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो आपको लोन के लिए चॉइसेस मिल जाते हैं और आपको एक अच्छी डील मिल जाती है, जिससे आपको लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपैरिजन करने को मिलता है और अच्छे या फिर आपके पसंद के फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से आपको लोन मिल सकता है। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि वो प्रोजेक्ट किस बैंक से अप्रूव्ड है। नंबर 9, हिडन चार्जेस। फ्लैट बुक करने से पहले आप हमेशा कॉस्ट शीट ठीक से देख लें। अगर आपको कॉस्ट शीट समझ में नहीं आती है तो किसी इंजीनियर या फिर कंसल्टेंट की मदद लें। फ्लैट के लिए कुछ बिल्डर या फिर डेवलपर इंफ्रा चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस या कुछ अदर चार्जेस बोल के एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। ये चेक करने के लिए कॉस्ट शीट ठीक से पढ़ के लें। स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस सही है या नहीं, या फिर जो भी टैक्सेस है वो बिल्डर ने सही लगाए है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लें। बुकिंग करते वक्त किसी एडवाइज़र को ज़रूर साथ रखें और अपना एग्रीमेंट ठीक से पढ़ के ही बुकिंग करें। नंबर 10, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जिस फ्लैट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फ्लैट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होना ये एक ज़रूरी पॉइंट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फ्लैट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो आपको बाद में मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ज़रूर ठीक से चेक कर ले। क्वालिटी चेक करने के लिए किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड या फिर किसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर से ज़रूर मदद लें। क्वालिटी चेक करने के लिए ये ज़रूर चेक करें कि बिल्डर ने आपको क्या क्या देने की कमिटमेंट की है और वो सब चीज़ें पूरी तरह से हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से इश्यूज मोस्टली कंप्लीशन के बाद या फिर जब आप रहने को आते हो उसके बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स जिन्हें आपको चेक करना चाहिए कोई भी फ्लैट में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और केपी कॉन्स्ट्रो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए
थैंक यू सो मच।